वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। मनुष्य का मन बड़ा चंचल होता है। यह चंचल मन ही अशांति का कारण है। इच्छाएं भी चंचल मन की ही देन हैं। कभी शांत नहीं होने वाली इच्छाओं के पीछे हम अंधे होकर भागते रहते हैं। एक इच्छा पूरी होते ही हम दूसरी इच्छा अपने मन में पालने लग जाते हैं। इच्छाओं को सीमित करने में ही जीवन का सुख छिपा है। संसाधनों की बढ़ोतरी जीवन में सुख का क्षणिक आनंद दे सकती है, लेकिन इनसे चिरस्थायी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इच्छाओं की प्रकृति यदि बुरी हो तो वह हमें पाप की राह पर धकेल देती है। बुरी इच्छाओं का वेग मानवीय गुणों को नष्ट कर देता है। इच्छाएं ही तृष्णा बढ़ाती हैं। तृष्णा के कारण हम स्वार्थ की संकीर्णता से ग्रस्त हो जाते हैं। चंचल मन की इच्छाओं को रोकना कठिन है, लेकिन उसे सीमित तो किया जा ही सकता है। इच्छाएं यदि नेक हों, समाज और राष्ट्र हित में हों, तो वे एक शक्ति हैं, और यदि वे ईर्ष्या, बुराई एवं घृणा जैसे कलुषित भावों में पली बढ़ी हों, तो समाज राष्ट्र के साथ ही स्वविनाशकारी साबित होती हैं। जीवन में तृप्ति का भाव ही हमें चिरस्थायी शांति प्रदान करता है। तृप्ति के कारण ही हम अपने अधीर मन को शांत कर अपनी ऊर्जा को सदकामों में लगा सकते हैं। इंसान की बढ़ती इच्छाएं ही आज के दौर में हिंसा और दुराचारों का अहम कारण है। लिहाजा अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। परमात्मा का ध्यान ही हमारे कष्टों को कम कर हमारे जीवन की राह को सुगम कर सकता है। अतः व्यर्थ की चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय हमारा ध्यान परमात्मा पर केंद्रित होना चाहिए। चराचर जगत 4 दिनों की चांदनी है, मिथ्या है, एक भ्रम है जिसे एक दिन टूटना है। लेकिन परमात्मा अविनाशी, अजर और अमर है। उसका सानिध्य ही अतृप्त इच्छाओं से पीड़ित मानव को सही रास्ता दिखा सकता है। स्टॉप।